بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون जमात व जमीयत के सरपरस्त व मुरब्बी अमीर मोहतरम फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल सलाम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, जमात के मुअक्कर आलिम दीन मुसन्निफ़ व मुहक्किक़ दाई अक़ीदे व मनहज के एतबार से जमात की ग़यूर शख्सियत फ़ज़ीलतुश शेख इनायतुल्लाह मदनी हफ़िज़हुल्लाह, मजलिस में मौजूद मुअक्कर अहले इल्म ज़िम्मेदारान, मेरे मोहतरम दीनी भाइयों और काबिल एहतराम आप बहनों, दहशतगर्दी न सिर्फ इस्लाम के लिए बल्कि सारी इंसानियत के लिए बर्बादी का पैगाम लाती है। इसमें इंसानी जान व माल का भी नुकसान होता है और दहशतगर्दी अगर इस्लाम के नाम पर हो तो इससे गैर मुस्लिमों की निगाह में इस्लाम की शबीह ख़राब होती है। इस्लाम की दावत को और मुसलमानों की शख्सियत, उनकी जान व माल को, उनके मुस्तकबल को नुकसान होता है। दहशतगर्दी का नुकसान अपने दौर तक महदूद नहीं होता है बल्कि दहशतगर्दी तारीख का हिस्सा बनकर मुसलमानों के लिए मुस्तकबल में भी, फ्यूचर में भी मुसीबत के पहाड़ खड़े करती है। दहशतगर्दी अपनी शुरुआत में एक सोच होती है, सोच बोल में बदल जाती है और अल्फाज जब अमल का कालिब इख्तियार करते हैं तब जाकर जान व माल का नुकसान शुरू हो जाता है। लिहाजा दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि सोच की सतह पर उसको ख़त्म किया जाए। बिगड़ी हुई सोच बुरी दावत बनती है, गुमराही की दावत बनती है और इस गुमराही की दावत में अफराद उस दावत को कबूल करके उस गाड़ी में बैठना शुरू होते हैं और फिर वो गाड़ी जाकर कहीं टकरा जाती है, वो भी हलाक होते हैं, दूसरों की भी हलाकत उससे पैदा होती है। लिहाजा सोच को बदलना ये पहला काम बल्कि बुनियादी और अहम तरीन काम है। यकीनी बात है कि सोच को बदलने के लिए बाहरी ताकत नहीं लगती है बल्कि सोच को बदलने के लिए इल्म ज़रूरी है। सोच यहाँ दिल में होती है, लिहाजा सोच की इस्लाह के लिए सही इल्म से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। लेकिन इल्म कौन सा? सतही इल्म नहीं, गहरा इल्म है। ऐसा इल्म जो कुरान और सुन्नत की दलील और सलफ़ के मनहज पर मबनी हो, ऐसा इल्म ही लोगों के शुबहात के इजाले के लिए, उनके डाउट्स के क्लैरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। मोटा मोटा इल्म नहीं, गहरा इल्म। जब गहरा इल्म लोगों के शुबहात को दूर करता है तो बिगड़े हुए लोग अच्छे बन जाते हैं, गुमराह लोग हिदायत पर आ जाते हैं, लोगों के लिए हलाकत का पैगाम लाने वाले लोगों के लिए रहमत का पैगाम लाने वाले बनते हैं। इसमें जान माल का नुकसान होने से बचकर जान माल की हिफाजत की सूरतें पैदा होती हैं। लेकिन ये करता कौन है, कौन कर सकता है? ये उलमा कर सकते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे में उलमा की बहुत बड़ी अहमियत है। लेकिन अजीब बात यह है कि दहशतगर्द तंजीमें
تحریکی مزاج رکھنے والے سب سے پہلے نوجوانوں کو علماء سے کاٹتے ہیں, علماء کا اعتماد ختم کرتے ہیں, علماء بزدل, علماء بکے ہوئے, علماء حالات حاضرہ ان کو نہیں معلوم. علماء کی شخصیت کو مجروح کرنا, ان کے اعتماد کو ختم کرنا, نوجوانوں کو علماء سے رہنمائی لینے سے روکنا اور علماء کو غلط ثابت کرنا, کیریکٹر اسیسینیشن, ان کے تعلق سے ایسی باتیں کرنا سماج میں کہ ان کا مقام گھٹ جائیں, تاکہ یہ جب غلط دعوت لوگوں کے سامنے پیش کریں تو ان کی غلط باتوں کے ویریفیکیشن کے لیے لوگ علماء کے پاس جائیں گے. لوگوں کو ان لوگوں سے کاٹ دیا جائے جو ان کی باتوں کو علماء سے چیک کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلا کام کیا کریں, علماء کا اعتماد ختم کریں. عام طور سے آپ کو دکھائی دے گا کہ جو آدمی جس کا مزاج تحریکی ہو, جس کے اندر دہشت گردی کے جراثیم ہوں, چاہے اس نے کوئی ایکٹیویٹی کی نہ ہو, وہ آپ کو سب سے پہلے علماء سے کاٹے گا, علماء کے مقام کو گھٹائے گا, علماء کے اعتبار کو ختم کرے گا. علماء کی اہمیت دہشت گردی کے رد میں اور اس سے سماج کی حفاظت میں کتنی زیادہ ہے, اس کو سمجھنے کے لیے صرف میں دو باتیں بیان کروں گا اور دو واقعات بیان کروں گا, کیونکہ میرے بعد میں دو بہت ہی اہم خطابات ہیں. میں چاہوں گا کہ اس کو زیادہ وقت ملے اور آپ لوگ سنیں, ویسے بھی وقت طے شدہ ہے. سب سے پہلا واقعہ انفرادی سطح پر, اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے اجتماعی سطح پر دہشت گردی کی, جان و مال کو نقصان پہنچانے والی حرکتوں کی اصلاح کیسے عالم کرتا ہے. نمبر ایک, ایک واقعہ ہے جو آپ سبھی جانتے ہوں گے, لیکن ہم اس تناظر میں اس کو سمجھیں گے کہ سماج سے لوگوں کی جان و مال کو نقصان پہنچانے والے کی اصلاح کرنے والا بنیادی طور پر ہوتا کون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کان فی من کان قبلکم, تم سے پہلے, ایک روایت میں ہے, فی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا, رجل قتل 99 نفسا, جس نے 99 مرڈر کیے تھے. مرڈر بولے تو تھوڑا اچھا لگتا ہے, سمجھ میں آتا, قتل اتنا بڑا لگتا نہیں ہے. جس نے کیا کیے تھے, 99 مرڈر کیے تھے, بڑا آروپی تھا وہ. ثم عرضت له التوبہ, اتنا خون قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہوا. فسأل عن اعلم اہل الارض, اس نے پوچھا, کم سے کم اس کو بھی عقل تھی, بعض اوقات اس طرح کے لوگوں کو بھی تھوڑی بہت عقل ہوتی ہے, لیکن جب دینی اعتبار سے انحراف پیدا ہوتا ہے تو وہ آدمی, اس کی اتنی عقل بھی ختم ہو جاتی ہے. اس نے پوچھا, زمین میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ سوال دیکھیں, خیر کہاں سے شروع ہوتی ہے. اس نے کیا پوچھا, فسأل عن اعلم اہل الارض, زمین میں سب سے زیادہ, یہ نہیں چنٹو پنٹو بتاؤ ہم کو, ہاں نہیں, اس نے کیا پوچھا, سب سے زیادہ علم والا کون ہے, علم کی گہرائی والا, زیادہ علم والا کون ہے. فدل علی راہبین, لیکن رہنمائی کرنے والے نے مس گائیڈ کیا, ارے ان سے کیا, ان سے پوچھو, ہاں یہ اندھوں میں کانا راجا, راہب کے پاس اس کو لے گئے. اس نے کیا کر دیا, راہب کون, جو عبادت میں پڑا رہتا ہے, اللہ والا, خوب عبادت کرتا, تعجود, یہ وہ, ذکر, تلاوت, اس طرح کا کوئی عابد تھا, اس کا رستہ بتایا. فاتا ہو بیچارہ گیا اس کے پاس, اب اس کی شامت آئی تھی بیچارے راہب کی, تو یہ گیا اس کے پاس. فاتا ہو فقال انہ قتل 99 نفسا فہل له من توبہ, اس نے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں, اپنا پورا ہاں پروفائل بیان کیا اس نے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں, تو ہے میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش. راہبوں میں عام طور سے عبادت کا غرور ہوتا ہے, علم جب کم ہوتا ہے تو آدمی اپنی عبادت پر ناز کرنے لگتا ہے, علم انسان کو اپنی اصل اوقات بتاتا ہے. تو اس نے کہا ایسا ایسا میرا حال ہے. فقال, اس عابد نے کیا کہا, فقال بعد قتل 99 نفسا,
99 कत्ल करने के बाद तौबा, ला नहीं है तौबा, क्या कहा? तौबा नहीं है। फंतदा सैफहू फकतलहू फकम्मल बिही मिआ, उसने घुसाया उसको, तौबा नहीं, और तूने, उसने बोला भी ऐसे अंदाज में होगा कि इसके अंदर का जो जानवर था जो थोड़ा डिम हो गया, तो वापस क्या हो गया? जाहिर बात है जो आदमी 99 कत्ल किया होगा वो कैसा होगा? बहुत रहम दिल, जरा जरा सी बात पर गुस्सा आता होगा, टेंपर एकदम हाई हो जाता। उसने तलवार निकाला और जज्बात में आके क्या कर दिया? अब 99 भी काम नहीं बन रहा, कितने करेंगे उसको? 100 कर दिया उसने पूरा, उसको भी कत्ल कर दिया। जहालत न सिर्फ दूसरों का नुकसान करती है, अपना भी जान गवाए। गलत फतवा, गलत फतवा नहीं देना, फिर को क्या हो रहा है यहाँ पे, और इससे बढ़ के आखिरत का नुकसान है। तो उसने कहा तौबा नहीं, बोले तौबा नहीं, मार डाला उसको। तुम अरदत लहु तौबा, लेकिन वो आदमी, उसको सुधरना था, फिर एहसास पैदा, नहीं तौबा करना चाहिए, ये बहुत गलत जिंदगी जी रहा मैं, थक गया, मतलब 100 मर्डर किया, मतलब एक दिन में थोड़ी ना किया होगा। फिर तौबा का एहसास हुआ। तुम मसअल अन अअलम अहल अर्द, फिर पूछा जमीन में सबसे जानकार कौन है? फदुल अला रजुल आलिम, फिर उसका, उसको किसका रास्ता बताया गया? आलिम का, बताने वाले ने बता ये आलिम है, इसके पास जा। فقال ان ثم سال عن اعلم اهل الارض فدل على رجل عالم فقال انه قتل 100 نفس فهل له من توبه, جاءت اس نے کہا میں نے 100 قتل کیے ہیں میرے لیے توبہ ہے؟ فقال نعم, عالم کو معلوم تھا کہ اتنے کرنے کے بعد بھی توبہ ہوتی ہے, اس نے کہا بالکل ہے توبہ. ومن يحول بينه وبين التوبه, توبہ اور تیرے اللہ کے اور تیرے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے توبہ کے معاملے میں؟ तौबा है, तेरी तौबा और अल्लाह के दरमियान क्या रुकावट है? कोई हायल नहीं है। इन तलिक इला अल अर्द कदा व कदा, एक काम कर, फलां इलाके में जा, फइन बिहा उनासुन याबुदून अल्लाह, उस इलाके में, उस बस्ती में कुछ लोग हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं, फअबुदिल्लाह माहुम, उनके साथ रह और उनके साथ अल्लाह की इबादत कर, वला तरज इला अर्द, वापस इस इलाके में आना मत, क्यों? فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ فَأَرْضُ سَوْءٍ, इसलिए कि ये जो ज़मीन है ये बुरी ज़मीन है, मतलब ज़मीन मनहूस नहीं है, इलाका बुरा है, हालात यहाँ के माहौल ही ख़राब है, ज़ाहिर बात है जिस माहौल में 99 खून करने वाला पनपा हो कैसा माहौल होगा, क्या ये ज़मीन अच्छी नहीं, इलाका अच्छा नहीं, बस्ती अच्छी नहीं, जाए इलाका छोड़ दे और नेक लोगों की सोहबत में रह के इबादत करता रहे। इसे मालूम हुआ कि सोहबत बदलना भी कितना ज़रूरी है, बुरी सोहबत मुसीबत लाती है। सही रहे, देखो दो चीज़ें मिली उसको अच्छी, एक सही आलिम, दूसरा अच्छी सोहबत की तरफ उस आलिम ने रहनुमाई की है। अच्छा वो नहीं सुनता, नहीं नहीं अच्छे लोग हैं मैं यही रह के सुधरता, बोले तो फिर वही होता था, उसने क्या किया उस आलिम की बात माना, ये अच्छा इलाका नहीं, यहाँ सोहबत अच्छी नहीं है, तो अच्छे लोगों के साथ जाके रहे। आज भी आलिम बोलता देखो उनके साथ उठते बैठते मत जाओ, तहरीकी लोगों के साथ मत रहो, नहीं सुनता, नहीं नहीं मैं उनमें दावत का काम कर रहा हूं, धीरे धीरे क्या होता वही उसको घसीट के ले जाते, ऊंट को आप कुएं में से बचाने के लिए दुम खींच रहे, कौन लेके जाएगा किधर, ऊंट आपको कुएं में ले जाता है। बहुत से ऐसे लोग जो इस तरह का मिजाज, तौहीद हाकिमियत कायम करना है हमको, सारी दुनिया को बदल देना है, घर छोड़ के अपना, वो एंड में करेंगे ना, वो तो अपना ही है ना, वो बाद में चेंज करेंगे, पहले पूरी दुनिया को चेंज करना है आपने। मर्द मुजाहिद है, घोड़े पे सवार हुआ तो घर छोड़ के पूरे गांव में घूम के आता हो, ऐसे लोग उनकी सोहबत में जाके रहेंगे, वो आपको घसीट के ले जाएगा घोड़े को बांध के, सुनते नहीं है। उस आदमी ने सुना, आलिम की बात सुनी, कहा वापस मत आना इसलिए कि बुरा इलाका है। फंतलका युरीदुल करियत अस्सालिहा, वो निकला अच्छे इलाके में जाने की नीयत से, हत्ता इदा नसफत तरीका अताहुल मौत, अजीब बात है। अब देखिए ऐसे वाकयात होते हैं तारीख में ताकि हम लोगों के लिए अल्लाह की रहमत और खैर कितनी मुमकिन है बिगड़े से बिगड़े हुए इंसान के लिए भी ये मालूम हो। आधे रास्ते में जाके उसको क्या आई? मौत।
फना अब सदरी, मैं कई रिवायात को जमा करके आपके सामने रख रहा हूँ, फना अब सदरीहा बिसदरी नहवाहा, मरते मरते आखिरी वक्त में जब वो गिरा जमीन पे, अपने सीने से करवट लेके वो थोड़ा और आगे बढ़ा। इससे मालूम होता है आदमी को कोशिश में कोताही नहीं करना चाहिए। उसको आलिम ने बताया जा, वो गिरा भी तो उसने क्या किया, गिरते गिरते क्या किया, गिरने के बाद भी करवट लेके थोड़ा और आगे चला गया कि उस हाल में भी वो आगे बढ़ा उस इलाके की तरफ जहाँ उसको जाना था। मकसूद के मंजिल की तरफ पहुँचने में कोताही नहीं करना चाहिए। उसने कोताही अपनी तरफ से कोई नहीं की, आलिम की बात मानी। ثم مات फिर मर गया। فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب अब अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे, रहमत के भी फरिश्ते भेजे और अजाब के भी फरिश्ते भेजे, और दोनों में इख्तलाफ हुआ। فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله रहमत के फरिश्तों ने कहा वो देखो तौबा करके अल्लाह की तरफ पलट के वापस आया था, अपने दिल से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ था। और अजाब के फरिश्ते कहने लगे वकालत मलाइकतुल अज़ाब इन्नहुम लम यअमल खैरन कत, एक भी तो भला काम नहीं किया था इसने, क्या अच्छा किया 99 नहीं, एक जिसको पूछा उसने फतवा दिया, उसको भी आबिद को भी बेचारे को मार डाला, 100 लोगों का कातिल नहीं, क्या अच्छा काम किया इसने। तो रहमत के फरिश्ते कह रहे हैं देखो दिल से तो अल्लाह की तरफ आया था ना, ये तौबा की चाहत तो दिल में थी, मुतवज्जे हुआ जा रहा था ना सही जगह। बोले नहीं इसने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, अभी तो पहुंचा भी तो नहीं था ना वो डेस्टिनेशन पे, अभी इस्लाह का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, बिगड़ा का बिगड़ा ही था ये, तो कोई अच्छा काम नहीं किया उसने। इतने में इबलीस भी आया, एक रिवायत में है काला इबलीस, इबलीस भी आ गया, कहा अना औला बिही इन्नहु लम यासिनी साअतन कत, इबलीस भी आके खड़ा हो गया वहां पे, क्या बोल रहा है इबलीस, मैं ज्यादा हकदार हूँ इसका, मैं ले जाता अपने साथ इसको, ये मेरा मेरे साथ होने का ज्यादा हकदार है, क्यों, इसलिए कि एक बात मेरी ऐसी नहीं थी जो इसने नहीं मानी, जो बोला उसको सोसा डाला करता था वो। तीनों में रहमत के फरिश्ते, अजाब के फरिश्ते, इबलीस, फाताहुम मलकुन फी सूरति आदमी फजअलूहु बैनहुम, आदमी की सूरत में एक फरिश्ता आया, उन्होंने कहा तुम ही हमारा फैसला कर दो, अब क्या है क्या करें, हम ले जाएं इसके साथ जाएं, किसके हिस्से में आए। फकाल कीसुमा बैन अल-अर्दैन, दोनों जमीनों के बीच में फासला नापो, फइला अय्यतिहिमा काना अदना फहुवा लहू, जिस जमीन के करीब होगा उसका हकदार है, अच्छी जमीन तो अच्छा पकड़ेंगे उसको, बुरी जमीन के करीब था बुरा पकड़ेंगे उसको, अच्छी जमीन से करीब था रहमत के फरिश्ते, बुरी जमीन से करीब था किसके हक में जाए गए अजाब के फरिश्ते। فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَن تَقَرَّبِي وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَن تَبَعَدِي, جب انسان اپنی کوشش کر لیتا ہے اپنی وسعت کے بقدر تو اللہ رب العالمین بھی اس کے لیے اپنی طرف سے فضل و کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ چونکہ آخری لمحے تک اس زمین کی طرف بڑھا تھا, اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا تو قریب آ جا, کون سی زمین, अच्छे इलाके को कहा तू करीब हो जा इससे करीब हो, और बुरी जमीन से कहा तू दूर हो जा इससे, तो अच्छा इलाका करीब आ गया बुरा इलाका दूर हो गया। फकासूहू, फरिश्तों ने नापा उसको, क्या करीब कौन सा निकलेगा, अल्लाह के हुक्म के बाद क्या करीब होना है, अच्छा इलाका करीब, जमीन को करीब कर दिया, ये उससे करीब जाना चाह रहा था नहीं कर पाया क्योंकि मौत आ गई, अल्लाह ने जमीन को उसके करीब कर दिया, जमीन करीब आ गई। फकासूहु फवजदूहु अदना इलल अर्द अल्लती अरादा बिशिब्रिन फगुफिर लहू, जब नापा तो वो जमीन करीब थी, एक बालिश के बकदर करीब थी बस, कौन सी, जो अच्छी जमीन थी, अच्छा इलाका, अनेक लोगों का इलाका, यानी ये उस तरफ था इस तरफ नहीं था, 50% क्रॉस कर गया ये, अल्लाह ने जमीन को करवा दिया इस तरह से। فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ, कौन लेके गया उसको, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसकी मगफिरत हो गई और रहमत के फरिश्ते उसको लेके चले गए। उसकी खैर शुरू कहाँ से हुई, सवाल ये है, टेररिस्ट था वो, पॉलिटिकल नहीं था लेकिन सोशल टेररिस्ट था वो, 100 लोगों का कातिल,
मार काट करने वाला, जान माल का नुकसान करने वाला, उसकी भलाई की शुरुआत कहाँ से हुई? एक, उसके दिल में तौबा का जज्बा पैदा हुआ अल्लाह की तौफीक से। दो, उसको सही रहनुमाई मिली। सही जज्बा अगर उसको सही रहनुमाई ना मिले फिर गुमराही की तरफ जाता है। यहाँ सबसे बड़ा रोल आपको मिलेगा आलिम का, ज़मीन करीब होना, ये सब तो बाद में हुआ। आलिम रास्ता तो बताया ना उसको, यहाँ जा तो उनके साथ रहे, उनके साथ सुधार, उनके साथ इबादत कर, सही ज़िंदगी गुजार, अच्छे लोग हैं, ये इलाका अच्छा नहीं है। आलिम की रहनुमाई से वो सही रास्ते पर चला और अल्लाह ताला ने उसको दहशत से, दहशतगर्दी से निकाल कर अल्लाह की रहमत का हकदार बना दिया। ये पहला वाकया है जो इंडिविजुअल लेवल पर है। ग्रुप लेवल पर हम देखते हैं मुख्तसरन, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया है, जब हज़रत अली के ख़िलाफ़ खवारिज खड़े हुए। खवारिज आप सिलसिला चल रहा है मुसलसल, बहुत से लोग जान रहे हैं, बहुत से लोग नहीं भी जान रहे हैं। पहला दहशतगर्द ग्रोह, पहला टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिस्ट्री में मुसलमानों की कौन था? खवारिज, जिन्होंने अब वक्त के हाकिम की मुखालफत की, जंग के लिए भी तैयार हो गए। पस मंज़र आप जानते हैं, हज़रत अली और हज़रत मुआविया की जंग हुई, दरमियान में बात ये आई कि इधर से एक हकम हो, उधर से एक हकम हो, जो दोनों के इख्तलाफ का फ़ैसला करें। हज़रत अली भी राज़ी हुए, हज़रत मुआविया भी राज़ी हुए और जंग जो चल रही थी जंग सिफीन रुक गई। खवारिज हज़रत अली के साथ थे, नाराज़ हो गए, गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, ये जो हकम बना रहे ये सही नहीं है। अल्लाह के मामले में इंसान हकम बने, अल्लाह का हुक्म चलेगा, कानून अल्लाह का चलेगा, इंसान का नहीं। तो वो मुखालिफ हो गए हज़रत अली के और अलग हो गए। हरोरा के मकाम पर वो लोग रह गए, रुक गए और अलग हो गए। हज़रत अली का साथ छोड़ दिया, नाराज़ हो गए। हज़रत अली को न्यूज़ आती रही कि आपके ख़िलाफ़ हो रहे हैं, आपके ख़िलाफ़ बगावत कर सकते हैं। इब्न अब्बास कहते हैं कि लम्मा इज्तमअत अल-हरूरिया यख़रुजून अला अली, जब हरूरिया यानी खवारिज जमा हो गए हज़रत अली के ख़िलाफ़ खुरूज के लिए, قال جعل يأتيه رجل يقول يا أمير المؤمنين القوم خارجون عليك, आदमी बार बार आके हज़रत अली से कहता था अमीर المؤمنین अभी वो हमले की तैयारी कर रहे हैं, हमले की तैयारी कर रहे हैं, खुरूज कर रहे हैं आपके ख़िलाफ़। قال دعهم حتى يخرجوا, हज़रत अली कहने लगे रुके रहो, छोड़े रहो उनको, यहाँ तक कि खुद वो पहल करें और खुरूज करें, मैं कार्रवाई क्यों करूं, पहले उनको कुछ करने दो। फलम न का नगदा था यऊ मिन कुल तुया अमीर अलमोमिनीन अब्रिद बिस्सला फला तफुतनी हत्ता आती अलकौम। हज़रत इब्न अब्बास ने कहा एक दिन ऐ अमीर अलमोमिनीन, आप नमाज को जहर की ठंडा करके पढ़िए, थोड़ा ताखिर से पढ़िए और ऐसा पढ़िए कि मुझसे नमाज फौत ना हो, मैं अभी जा के आता हूँ लोगों के पास, खवारिज के पास मैं जा के बातचीत करके आता हूँ, समझा के आता हूँ उनको। قال فدخلت عليهم وهم قائلون, दोपहर का वक्त था, कैलूले का, वो आराम कर रहे थे, उनके पास मैं गया। इब्न अब्बास कह रहे हैं فإذاهم مسهمة وجوههم من السهر, रात में इबादत कर के उनके चेहरे गोया के उनके चेहरों पर थकन के आसार नुमाया थे, बहुत इबादत करने वाले थे खवारिज। अल्लाह वाला इबादत गुजार होना काफ़ी नहीं है, सही मनहज पर होना ज़रूरी है। हाँ, रफ्तार दौड़ने की इम्पॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है, कहाँ भाग रहा हूँ, हाँ कितना फास्ट है, नहीं कैसा भागता, लेकिन गलत भाग रहा हूँ, गलत दिशा में, सही दिशा में स्लो भी गया तो पहुँचेगा, गलत दिशा में जितना तेज़ भाग रहा उतना दूर जाएगा मंजिल से। इबादत 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 करने वाले, लेकिन इबादत में मनहज सही नहीं उनका। गुलू कहा कि उनके चेहरे रात भर की इबादत से गोया के थकन के आसार नुमाया थे। कद अफ़तर सुजूद फी जिबाहिहिम का अन्न अईदियहुम सफिनुल इबिल, कहा कि उनके चेहरों पर सजदों का असर नुमाया था, पेशानियां ज़मीन पर टिका के रखी, गट्टे पड़े हुए एकदम, और सजदों में और इसी तरह से इबादत में नमाजों की कसरत की वजह से ऊँट के घुटनों की तरह उनके हाथ के गट्टे बने हुए हैं, ऐसे इतने इबादत करने वाले, सद्दों में पड़े रहने वाले। अलैहिम कुमुसुम मुरहबा,
और उन पर कमीज जो लिबास जो पहना रखा था वो एकदम धो धो के बोसीदा हो गए। तो बहुत तकवे वाले जो बहुत कम ड्रेस में चलता उनका काम, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनते। कपड़ा जब बहुत ज़्यादा धुलने की वजह से अपनी जैब और जैब जीनत और अपनी रंगत को खो देता है, उसकी जो है आब उताब ख़त्म हो जाती है एकदम पुराने बोसीदा कपड़े पहने हुए। बहुत तकवे वाले मुत्तकी अल्लाह वाले। जब इब्न अब्बास उनके पास गए तो कहा, कालो मा जा अबिक इब्न अब्बास, इब्न अब्बास कैसे आना हुआ, वमा हाज़िहिल हुल्लतु अलैक, ये इतना ज़बरदस्त कपड़े पहन के आया, ड्रेस आपका तो बहुत भारी दिख रहा। तनकीद की, ताना दिया, कैसा लिबास है, बहुत ज़बरदस्त, खुद एकदम तकवा वाला लिबास, तकवा में गुलू वाला। इब्न अब्बास अच्छे कपड़े पहन के गए उनके पास, इसलिए कि आदमी जब जाए सफ़ीर बनकर तो अच्छा लिबास पहने भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी हज़रत उमर ने कहा था, ये लिबास लोग आपसे मिलने आते हैं, अच्छा लिबास है आपके लिए। ये और बात है कि वो रेशम का था, लेकिन आपने अच्छे लिबास का इनकार नहीं किया, रेशम का इनकार किया। तो कहे कैसा, बहुत भारी लिबास पहन के आए। आम तौर से आप देखिए, अहले इल्म की अच्छी ज़िंदगी पर तनकीद करना, हाकिम की अच्छी ज़िंदगी पर तनकीद करना इनके मिजाज में है। قال ما جاء بك يا ابن عباس وما هذه الحلة عليك قال قلت ما تعبون مني का मुझ पर ऐब लगाते हो। فلقد رأيت رسول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من ثياب اليمنية, तो मुझ पर तनकीद करते हो अच्छे लिबास पहनने की वजह से। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आपने यमन का बेहतरीन लिबास पहना था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अल्लाह के नबी भी तो अच्छे कपड़े पहनते थे, ये गलत बात क्या है इसके अंदर। ये हुई हदीस की दलील। ثم قرأ تو هذه الآية, कहते फिर मैंने ये आयत पढ़ी उन पर। قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق, कौन है जो अल्लाह की उस जीनत को जो उसने ज़मीन से अपने बंदों के लिए निकाली है, पैदा की है, हराम करता है और पाक रिज्क को उन पर हराम करता है। कौन हराम कर सकता है जिसको अल्लाह ने हलाल किया, बंदों के लिए पैदा किया, अच्छे लिबास, अच्छी ग़िज़ा, किसको इख्तियार है कि हराम करें। ये सूरह आराफ की आयत पढ़ी, ठीक है। कहा कालू माँ जा अभी, ठीक है आए काय के लिए भाई, वो जाने दो। अब जब आदमी के पास जवाब नहीं होता है, दलील दी एक हदीस से और एक कुरान से, जवाब नहीं कुछ भी, तनकीद फेल, का आए का है वो क्यों आए। कुल तो, अब दूसरी बात इब्न अब्बास ने कही, कुल तो जिअतुकुम मिन इंद असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व लैस फीकुम मिनहुम अहद, बुनियाद रखी अपनी बात की, कहा कि मैं उन लोगों के पास से आया हूं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, सहाबा हैं, उनको शर्फ अल्लाह ने बख्शा, तुम में ऐसा कोई नहीं है। ये क्या बात है कि तुम में कोई सहाबी नहीं, यानी उनका जो एक हम बहुत अहले हक हैं डाउन किया। आज भी आप तहरीकों में देखिए उलमा नहीं मिलेंगे आपको, सब जेंटलमैन मिलेंगे आपको, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, अपने फन के माहिर हैं, लेकिन तुम दीन का काम करें तो दीन के फन का माहिर भी तो तुम्हारे पास होना चाहिए। हाँ, इल्मी मैदान का कोई आदमी उनके पास आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो इल्म दुश्मन लोग हैं, उलमा को हमेशा गलत बोलने वाले। वो फ्रांस का इनकलाब, रशिया का इनकलाब, यहाँ की तारीख, वहाँ की तारीख ही बताएंगे आपको। कुरान सुन्नत की गहराई उनके पास नहीं होगी, उलमा का मामला उनके पास नहीं होगा। कब मैं उनके पास से आया हूँ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, तो मैं उनमें से कोई नहीं है। وَمِنْ عِنْدِ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمْ نَزَلَ الْقُرْآنُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ, मैं बड़ी तेजी से कह रहा हूँ कि वक्त कम है मेरे पास। कहा कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई के पास से आया हूँ, सहाबा के पास से आया हूँ। ये वो लोग हैं, ये वो कौम हैं जिनके सामने कुरान नाजिल हुआ, वो मौजूद थे और कुरान नाजिल होता था, और وَهُمْ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ, वो कुरान की तफसीर का ज़्यादा इल्म रखते हैं तुमसे। मालूम है कि सलफ़ के मनहज की पैरवी की जो हम दावत देते हैं ये पहले दिन से है। इब्ने अब्बास ने सबसे पहले गुमराह तबके को दावत दी तो सलफ़ के मनहज की अहमियत बताई, जिनके सामने कुरान नाजिल हुआ, जो कुरान को सबसे ज़्यादा जानते थे। तुम में वैसा कोई आदमी नहीं है, तुमको गाइड करने वाला कोई है ही नहीं ऐसा आदमी। मैं तो पूरी उस फौज की तरफ से आया हूँ, मैं उनके पास इतने लोग हैं ऐसे जो कुरान के सही फहम को जानते हैं। तुम कुरान की आयतें निकाल निकाल के हज़रत अली के ख़िलाफ़ पेश कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई सही समझने वाला है। वो लोग हैं जिनके सामने कुरान नाजिल हुआ, उनको ज़्यादा मालूम कि तुमको ज़्यादा मालूम।
बुनियाद बनाइए। जी तुली उबल्लिगकुम अनहुम व उबल्लिगकुम अनकुम, मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि मैं उनका पैगाम तुमको पहुँचाऊँ और तुम्हारा जवाब उनको पहुँचाऊँ। मैं एम्बेसडर बन के आया हूँ। فقال بعضهم لا تخاصموا قريشا فإن الله تعالى يقول بل هم قوم خصمون, उनमें से कुछ लोग बोलने लगे मत बहस करो इनसे, कुरैशियों के कुरैशी हैं ये, कुरैशी हमारे वाले नहीं, वहाँ वाले कुरैशी, क्या बहस मत करो इनसे मुंह की खाओगे, ये कुरैशी हैं और इनके बारे में क्या है अल्लाह ताला ने फरमाया कि बल हम कौम खसिमून, ये बड़े हुज्जतबाज लोग हैं। वो मुशरिकीन के बारे में कहा था जो हक को नहीं मानते। आप देखिए यहाँ भी मालूम पड़ेगा कि जब आलिम के सामने एक इस तरह का आदमी खारजी जहनीत रखने वाला तहरीकी मिजाज वाला बैठता है, आलिम उसको गोल घुमा के लटका देता है तो ये बातों को घुमाते हैं। हाँ उसकी जब चमड़ी उधेड़ता है वो इल्मी एतबार से, तब क्या कहता ये बहुत बहस करते हुज्जत करते असल बात पे नहीं आते, गोल घुमाते यूं करते तू करते इस तरह की बातें करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा ये हुज्जत करने वाले लोग हैं इनसे बात मत करो। فقال بعضهم بلا فلنكلمنه, लेकिन कुछ दूसरों ने कहा नहीं नहीं हम तो बात करेंगे। उनमें कुछ ऐसे भी होते हैं नहीं नहीं ओवर कॉन्फिडेंट, नहीं हम बात करेंगे कुछ नहीं होता हम करेंगे बात। قال فكلمني منهم رجلان او ثلاثه, उनमें से दो या तीन लोगों ने मुझसे बात की, सारी कौम सुन रही अकेले में नहीं सबके सामने बात हुई। قال قلت ماذا نقمت علي, तुम्हारा हजरत अली पर एलिगेशन क्या है, हजरत अली पर तुम्हारा तुम्हारी तनकीद क्या है, क्या गलत किया उन्होंने। قالوا ثلاثا, बोले तीन चीज तीन पॉइंट है हमारे। فقلت ما هن, मैंने पूछा क्या है वो। قالوا حكم الرجال في امر الله, अल्लाह का मामला दीन का मामला उसमें उन्होंने तहकीम के लिए आदमियों को चुना या आदमियों को पसंद किया कि इंसान फैसला करेंगे दीन के मामले में। दीन के मामले में फैसला तो अल्लाह का चलना चाहिए। आप देखिए आज भी तहरीकियों की बुनियादी आयत जिसके अतरा पूरा जहन उनका घूमता है, आयत सही है उनकी सोच गलत है। इन हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म तो अल्लाह का चलेगा। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के मामले में अल्लाह के दीन के मामले में लोगों की उन्होंने उनको हकम बनाया। काला कुल तो हाद ही वाहिदा व मादा आईदन, कहा ठीक है ये एक हुआ दूसरा क्या। काला फ़इन्नहु क़ातल फ़लम यस्बी वलम यग़नम, जंग तो की लेकिन न माल गनीमत लिया और ना किसी को कैदी बनाया। हज़रत आयशा के साथ जो जंग जमल हुई किसी को कैदी नहीं बनाया और माल गनीमत भी नहीं लूटा, ये भी गलत। फ़लइन कानू मुमिनीन मा हल क़िताल्हुम, अगर जिनसे जंग की थी वो मोमिनीन है तो किताली हलाल नहीं था इनके लिए, जंग करना ही जायज़ नहीं था। वला इन कानु काफिरीन लक़द हल क़िताल्हुम वसिबाहुम, और अगर वो मोमिन नहीं थे जिनसे जंग की है अगर इनके मुताबिक तो फिर उनका माल लूटना माल गनीमत और इनका किताल इनको कत्ल करना उनको कैदी बनाना दोनों हलाल था। काला कुल तो वमादा अयदन, और क्या है और बताओ तीसरा क्या। قالوا ومحى نفسه من امير المؤمنين, कहा कि उन्होंने जब अमीर المؤمنین बना के खत लिखा उनको लिख के जब वहां से اعتراض आया शामियों की तरफ से उसको भी कट कर दिया। उन्होंने कहा हम अमीर المؤمنین लक़ब कबूल नहीं करेंगे तो हज़रत अली ने वो भी कट कर दिया। अली इब्न अबी तालिब की तरफ से ये खत है सुलह के लिए या आपस के मामलात के लिए, तो कहा कि इन्होंने अमीर المؤمنین कट कैसा किया, ये भी हमारा तीसरा اعتراض है। فإن لم يكن أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير أمير الكافرين, ये कट हुज्जती है। अगर ये अपने आप को अमीर المؤمنين नहीं लिखते हैं तो फिर तो ये अमीर الكافرين हो गए। अली बोले ऐसा मैं काफिरों का अमीर हूँ, लेकिन उल्टा उसमें से कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कुछ भी निकाल लेना कि अगर अमीर المؤمنين नहीं लिखा उन्होंने किसी मसलहत के तहत या कट किया उसको तो इससे मतलब ये है कि मोमिनीन के नहीं काफिरीन के अमीर है क्या ये। और काला कुल तो अरअयतुकुम इन अतैतुकुम मिन किताबिल्लाह व सुन्नति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा यनकुदु कौलकुम हादा अतरजिउन, अली ने कहा अच्छा ठीक है हो गया अगर मैं तुम्हारे सामने अल्लाह की किताब से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ऐसी बात पेश करूं जिससे तुम्हारी ये सारी बातें गलत साबित होती हैं उसकी तरदीद होती है वापस लौटोगे।
अपनी बात से, अपने इस यानी मौकिफ से रुजू करोगे, तौबा करोगे, सुधरोगे। قالوا وما لنا لا نرجع, बोले क्यों नहीं लौटेंगे, हाँ क्यों नहीं लौटेंगे भाई, साबित करोगे तो लौटेंगे। قلت اما قولكم حكم الرجال في امر الله فان الله عز وجل قال في كتابه يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم। आगे हो जाइए, आने वालों को जगह मिलेगी, आपके जगह बनाने से एक आदमी सुन के अगर उसकी जिंदगी बदलती है, आप भी उसके सवाब में हिस्सेदार बनेंगे इंशाल्लाह। जगह पे मत हिलिए, आगे आइए। का पहला एतराज क्या है, इंसानों को हकम बनाया आपस में। कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया हज को जाने वालों के ताल्लुक से कि जब तुम एहराम की हालत में हो तो तुम शिकार नहीं कर सकते, और अगर किसी ने जानते बूझते किसी जानवर को कत्ल कर दिया, शिकार किया, तो उसकी सज़ा या जजा, उसका बदला, उसका फिदिया, उसकी भरपाई ये है कि वो उसी तरह का एक जानवर क्या करें, वो ज़बह करें और उसका गोश्त तकसीम करें, और यहकुम बिही ज़वा अदल मिनकुम, और इसका फ़ैसला कि मुनासिब है कि नहीं जो ज़बह कर रहा है, इसका फ़ैसला कौन करेगा, ज़वा अदल मिनकुम, तुम में से दो काबिल एतमाद आदमी। यहकुमु का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया, फ़ैसला करेगा, तो हकमा का तुमने तहकीम गैरुल्लाह की अगर तुमको नहीं चलती है, अल्लाह ने खुद हक फैसला करने का इख्तियार दिया है हज के मामले में। وقال في المرأة وزوج في المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها, और अल्लाह ताला ने मर्द औरत के इख्तलाफ के बारे में जब मामला एकदम इफ्तराक का हो जाए कि निकाह टूट जाएगा, दोनों अलग होने की पोजीशन में हो गए हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम्हें खौफ हो कि अब इनका निकाह बाकी नहीं रह पाएगा और दोनों जुदा होने की पोजीशन में है, तो इसकी फैमिली में से एक फैसला करने वाला और उसकी फैमिली में से एक फैसला करने वाला दोनों तय करो, तो उन दोनों को भी किसको तय करो, हकम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिहा, इसका फैसला भी तो इंसान ही कर रहे हैं, हज का मामला हो, खून का, कत्ल का, ज़बह का, जानवर की, या फिर बीवी शोहर की इफ्तराक का मामला हो। फसैर अल्लाह ताला दालिका इला हुक्म रिजाल फनशदतुकुम अल्लाह अतअलमून हुक्म रिजाल في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل أو في دم أرنب ثمن ربع درهم وفي بضع امرأة। कहा कि मैं तुमको अल्लाह का वास्ता दे के पूछता हूँ, अल्लाह का खौफ दिला के पूछता हूँ कि मुसलमानों के खून का मामला ज़्यादा संगीन और अहम है, या फिर एक चौथाई दिरहम में मिलने वाले खरगोश का मामला, या फिर एक मर्द और एक औरत उनके आपस के इख्तलाफ का मामला, ये ज़्यादा संगीन है। इतनी बड़ी मुसलमान कौम, उनमें आपस में इख्तलाफ हो रहा, ये ज़्यादा सीरियस है कि ये दो छोटे छोटे मामले सीरियस हैं, दो इंसानों का इख्तलाफ और कौम का इख्तलाफ। जब अल्लाह ताला ने इसमें भी हकम बनाया, उसमें क्यों नहीं बना सकते ताकि वो मामला हल हो जाए। जान माल का नुकसान जो उसमें हो रहा है वो तो बड़ा है, ये छोटा नुकसान है, इस छोटे नुकसान में जब ये चलता है तो बड़े नुकसान में क्यों नहीं चलेगा जब उससे मामला हल हो रहा है। قالوا بلا هذا افضل, उन्होंने क्या कहा, हाँ हाँ वो बड़ा मसला है, वो बड़ा मसला है। قال اخرجت من هذه, इब्न अब्बास ने कहा हो गया मैं इससे निकल गया तुम्हारे اعتراض سے, قالوا نعم हाँ हाँ ठीक है, उन्होंने कहा हो गया निकल गए इसमें से, اعتراض ہمارا ایک کم ہو گیا۔ قال اما قولكم قاتل فلم يسب فلم يغنم اتسبون امكم عائشه رضي الله عنها, تمہارا یہ اعتراض کہ حضرت علی نے قتال کیا حضرت عائشہ سے, جنگ ہوئی لیکن نہ اس میں انہوں نے کسی کو قیدی بنایا اور نہ اس میں مال غنیمت لوٹا, کہا فان قلتم نسبيها فنس, کہا کہ کیا تم اپنی ماں حضرت عائشہ کو قیدی بناتے, جنگ میں क्या हज़रत आयशा जो सारे मुसलमानों की माँ हैं उनको कैदी बना के किसके निकाह में दोगे, किसके हवाले करोगे, कहा कि उनको भी कैदी बनाओगे।
فَإِنْ قُلْتُمْ نَسْبِهَا فَنَسْتَحِلَّ مِنْهَا مَا نَسْتَحِلُّ مِنْ غَيْرِهَا فَقَدْ كَفَرْتُمْ. اگر تم یہ کہو کہ ہاں ہم ان کو قیدی بنا سکتے ہیں اور جیسے دوسری باندھیوں کا معاملہ ان کے ساتھ کریں گے, کفر کرنے والے بن جاؤ گے تم. یہ کفریہ جملہ ہو جائے گا کیونکہ سارے مسلمانوں کی ماں ہیں وہ. وَإِنْ قُلْتُمْ لَيْسَتْ بِأُمِّنَا فَقَدْ كَفَرْتُمْ, اگر تم یہ کہو کہ ہماری ماں نہیں ہے تب بھی تم نے کفر کیا. فَأَنْتُمْ تَرَدَّدُونَ بَيْنَ ضَلَالَتَيْنِ, اور تم اب دو گمراہیوں کے بیچ میں لٹکے ہوئے ہو. بولو اب کیا بولو گے؟ بے جواب لا جواب کر دیا. کہا کہ اخرجت من هذه, اسی طرح سے نکل گیا کہ انہوں نے حضرت عائشہ کی جنگ میں ان کو سب کو قیدی نہیں بنایا, نکل گیا اس سے میں. قالوا بلا, کہا ٹھیک ہے ہاں نکل گئے تم اس میں سے. قال واما قولكم وحا نفسه من امير المؤمنين فانا اتيكم بمن ترضون, اگر تم یہ کہو کہ انہوں نے امیر المؤمنین اپنے نام سے کاٹ دیا تو میں تم کو ایسی مثال بیان کرتا ہوں کہ جس کو تم پسند کرو گے اور راضی ہو جاؤ گے, مان لو گے, تم کو ماننا پڑے گا. ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحدیبیہ حین صالح ابا سفیان و سہیل ابن عمرو, جب حدیبیہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی قریش سے, مشرکین سے, ابو سفیان اور سہیل ابن عمرو جو ان کے نمائندہ تھے ان سے کمپرومائز کیا, ٹریٹی کی, جنگ بندی کی کا معاہدہ کیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتب یا علی ہذا ما صالح علیہ محمد الرسول اللہ, آپ نے کہا اے علی, اس وقت میں بھی حضرت علی تھے لکھنے والے, کہا کہ اے علی لکھو یہ معاہدہ ہیں, یہ صلح ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, یہ قریش سے صلح کر رہے ہیں. فقال ابو سفیان وسہیل بن عمرو ما نعلم انک رسول اللہ, ابو سفیان اور سہیل بن عمرو جو مشرکین کی طرف سے آئے تھے انہیں کہا ہم نہیں جانتے کہ آپ رسول اللہ کے, ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں. ولو نعلم انک رسول اللہ ما قاتلناک, اگر آپ کو رسول ہم مانتے جنگ تھوڑی نہ کرتے آپ سے, مانتے ہی نہیں ہم, کٹ کرو اس کو, رسول اللہ کو کٹ کرو, خالی محمد ابن عبداللہ رہنا چاہیے اس میں, رسول اللہ نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انک تعلم انی رسولک امحو یا علی, آپ نے کہا اللہ تو جانتا میں تیرا رسول ہوں, اے علی مٹاؤ اس کو, مٹاؤ اس کو. واکتب ھذا ما صالح علیہ محمد ابن عبداللہ و ابو سفیان و سہیل ابن عمر, اے علی لکھو یہ صلح ہیں محمد ابن عبداللہ اور ابو سفیان اور سہیل ابن عمر کے درمیان, رسول اللہ کٹ. قال فرجع, اب یہ تینوں اعتراض ہو گیا, دل ٹھنڈا, جواب مل گیا. کہتے ہیں اس کا اثر کیا ہوا, کہتے ہیں فرجع منہم الفان وبقی بقیتہم فخرجوا فقتلوا اجمعین, کہتے ہیں 2000 لوگ توبہ کر کے واپس لوٹ گئے, ایک میٹنگ میں کام تمام. کون؟ عابد نہیں, کون تھا وہ؟ عالم. اور کیسا عالم؟ ہاں ایسا عالم, 2000 لوگ توبہ کیے ایک ہی ملاقات میں. اب بولنے کو کتنے منٹ لگ رہے ہیں اپنے کو, 15 منٹ میں کام تمام ہو گیا ہو. 2000 لوگوں کو 15 سے 20 منٹ کے اندر انہوں نے کیا کرا دی؟ توبہ. کس میں طاقت ہوتی ہے؟ کس کی طاقت ہے؟ یہ صحیح علم کی طاقت ہے, نبوی علم کی طاقت ہے. شبہات کو دور کرنا آسان کام نہیں ہے, لہٰذا جو بھی شبہات اس طرح کے لوگ پیدا کرتے ہیں ان شبہات سے امت کو بچانے کے لیے کس کے پاس لے جانا پڑے گا؟ عابد کے پاس, پروفیسر کے پاس, نا نہیں, پی ایچ ڈی, علماء کے پاس. علماء ہیں جو اس طرح کی فکری گمراہیوں کا علاج کر سکتے ہیں جس سے لوگوں کی جان و مال کا بھی نقصان بچ جاتا ہے, محفوظ ہو جاتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ 2000 تو توبہ کر لیے, باقی جتنے رکے توبہ نہیں کی, انہوں نے حضرت علی سے جنگ کی اور سب کے سب کو حضرت علی نے کیا کر دیا؟ کاٹ کے رکھ دیا, سب کو قتل کر دیا. اللہ تعالی ہم کو سمجھ دے, میں نے وقت زیادہ لے لیا, معذرت چاہتا ہوں. لیکن اس میں دو واقعات میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے علماء دہشت گردی کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم کو ڈاکٹر بننے کی کوشش نہ کریں, میں جا کے سمجھاتا اس کو, مت کرو, مت جاؤ, علماء کے پاس لے کے آ, مانو, نہیں آتا ہم کو, نہیں سمجھا سکتے ہم, علماء سمجھا سکتے. آپ دیکھو اس کا ٹیمپریچر کیسا بڑھ جاتا ہے, کیسا بخار آتا ہے جیسے آپ علماء کا نام لیتے ہیں. وہ بہت کوشش کرے گا, نہیں آئے گا علماء کے پاس. آپ پکڑ کے پیار سے اس کو, ہاں چائے بسکٹ کھلا کے اس کو لے کے آؤ,
किसी तरह से उलमा के पास लाए तो बराबर उसका बुखार सही होता, जिन निकलता उसका। अल्लाह ताला हम सबको समझता फरमाए, उलमा की अहमियत की तौफीक अता फरमाए, उनकी कदर करने की, उनसे इस्तेफादा करने की तौफीक अता फरमाए। अकुल हादा वस्तगफिरुल्लाह लि व लकुम।